अमृतसर के श्री गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गुरुवार देर रात जमकर हंगामा हुआ। अमेरिका जाने वाले पैसेंजर बीते 24 घंटे से एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं, लेकिन ना उन्हें बाहर जाने दिया जा रहा है और ना ही उन्हें फ्लाइट की सही जानकारी दी जा रही है। पैसेंजर ने कुछ वीडियो शेयर करते हुए जानकारी दी कि 150 से अधिक पैसेंजर विदेशी कंपनी नियोस के साथ अमेरिका के जॉर्जिया जाने के लिए फ्लाइट बुक कर रखी है। 4 जनवरी को शाम 7 बजे सभी पैसेंजर का चेक इन करवा लिया गया, लेकिन तब से लेकर 5 जनवरी रात तक फ्लाइट की कोई जानकारी नहीं है। ग्राउंड स्टाफ 4 जनवरी से 1 घंटे में फ्लाइट आ रही है का बहाना बना रहा है। रात 12:50 पर फ्लाइट ने करना था टेक ऑफ। पैसेंजर ने बताया कि फ्लाइट से रात 4-5 जनवरी की दरमियानी रात 12:50 टेक ऑफ करना था, लेकिन उसी अनुसार उनका चेक इन भी करवाया गया, लेकिन अब ना तो फ्लाइट का पता है और ना ही उनके लिए खाने पीने व सोने का इंतजाम किया जा रहा है। लगातार पैसेंजर परेशानी का सामना कर रहे हैं। मार चंगा भी मिनट अद्धा घंटा फोन तैयार है जी। चलो मान लो अद्धा घंटा मान लो। दवाइया ना सारिया इन्होंने जमा कीतिया ने हैंडबैग दे विच, ते कोई साढ़े को दवाई खाने नू नहीं, कोई साढ़े को कुछ खाने नू नहीं है, असि सारे भुखे हैं। न्यूज़ एयरलाइन बहुत परेशान करते हैं, कोई साढ़े इतने सुनवाई नहीं होंगी, आप सारे अंदर बड़ी बैठे ने, असि सारे परेशान होते हैं।